हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियंका। तो कल है इंडिपेंडेंस डे, तो मैं इससे रिलेटेड एक शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी। तो फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मैं इसका एक लॉन्ग फॉर्म भी बना लूँ। तो अगर आप लोगों के पास भी मेरी तरह कोई भी ऐसे पिगमेंट नहीं है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले आप एक थोड़ा सा पतला सा ब्रश को ले ले और इसको डैम्प करके आई शेडो पे रब कर ले ग्रीन कलर के, क्योंकि हमारे जो फ्लैग है इंडियन फ्लैग, तो उसके एकदम नीचे ग्रीन कलर रहता है, तो इसीलिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही ग्रीन कलर को अप्लाई कर लिया था। तो क्योंकि मुझे फिर लगा कि मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए, तो फिर मैं इसके ऊपर से एक और बार आप लोगों को दिखाने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। ओके, ग्रीन कलर इज डन। नाउ दिस इज टाइम फॉर टू ऐड व्हाइट कलर। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं एक व्हाइट लिपस्टिक, मतलब ये एक लिपस्टिक पैलेट है, तो मुझे लगा कि मैं इसको अच्छे से लगा पाऊंगी, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं कैसे लगाऊँ। मैंने पहले ही तो बॉटम पे लाइन ड्रॉ कर ली, तो अब मैं जितना भी कोशिश करूँ कि मिक्स तो होना ही है। और ये लिपस्टिक लग भी नहीं रहा था अच्छे से, मतलब ये थोड़ा सा है ना लिपस्टिक जैसा होता है, मतलब स्टिकी स्टिकी सा है, तो ये अच्छे से आईज पे आ नहीं रहे थे। तो ये लिपस्टिक वाला आइडिया तो फेल हो गया है, तो मुझे कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा अब। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक आई शेडो पैलेट है जहाँ पे वाइट कलर है, तो मैं और इसका पिगमेंट मतलब उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसको क्रश किया एंड देन इसको सेटिंग्स पाउडर की हेल्प से ऐसे मतलब लिक्विडी सा बना के इसको अप्लाई कर दिया। आई डोंट सजेस्ट यू टू डू दैट, आई नो इट्स अ डम आइडिया, बट यस दिस इज हाउ आई डू इट, बट प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि ये आई शैडो पैलेट मेरा बहुत पुराना है और ये एक्सपायर भी होने वाला है, तो इसीलिए मैंने ये कर दिया। अगर मैं इस वीडियो को दोबारा बनाती, तो मैं पहले वाइट कलर को अप्लाई कर लेती, देन उसके बॉटम एंड अपर एंड पे मैं कलर ऐड करती, क्योंकि उससे थोड़ा सा इजी हो जाता एंड कलर का पिगमेंट भी बहुत ही अच्छे से निखर के आता। आई नो इट्स नॉट परफेक्ट, बट यस दिस इज हाउ आई डू इट। सो अभी बारी है ऑरेंज कलर को अप्लाई करने के लिए, तो मैं एक डैम्प ब्रश को लेके उसके हेल्प से ऑरेंज कलर को अप्लाई कर लूँगी। तो मैं अभी ऑरेंज कलर को अप्लाई कर रही हूँ, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। आई नो इट्स नॉट परफेक्ट, बट आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। मैं अभी वही सेम ग्रीन शेड को लेकर अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो को, ताकि एक अच्छे से लुक आए। और अगर आप चाहो तो इस इंडिपेंडेंस डे पे आप लोग भी ये आई लुक कर सकते हो। ओके, तो हमारा ट्राई कलर का आई शेडो तो कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं इस लुक को कंप्लीट करूंगी एक अच्छे से वन कोट मास्कारा के साथ। ट्राई कलर का आई शेडो तो कंप्लीट हो गया है, अभी बारी है लिपस्टिक की, तो मैं एक ट्राई कलर का लिपस्टिक भी अप्लाई करूंगी। और ये वीडियो मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हो। अगर आप लोगों का मेरा ये इंडिपेंडेंस डे लुक पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइज़।